ओटीटी के बाद साउथ में छाने को तैयार बॉबी देओल। साउथ फिल्म हरी हरा वीरा मल्लू के चर्चे काफ़ी समय से हो रहे हैं। इसे भारतीय सिनेमा में सबसे बहुत प्रतीक्षित फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म में साउथ स्टार पवन कल्याण और निधि अग्रवाल मुख्य भूमिका में हैं और अब इसके साथ बॉबी देओल का नाम भी जुड़ गया है। डायरेक्टर क्रिश जगरलामुदी की बनाई इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल अपना साउथ डेब्यू करेंगे। बॉबी इस फिल्म में मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग उन्होंने हैदराबाद में शुरू कर दी है। फिल्म के लिए 17वीं शताब्दी के दरबार का सेट थोटा थाराणी ने डिजाइन किया है। इस दरबार में पवन कल्याण और बॉबी देओल के अहम सीन शूट किए जाएंगे। फिल्म के मेकर की तरफ से जारी किए गए एक स्पेशल वीडियो में हरी हरा वीरा मल्लू की टीम बॉबी देओल का ग्रैंड वेलकम करती हुई दिख रही है, जहां बॉबी देओल स्टाइलिश लुक में नजर आ रहे हैं। अपने साउथ फिल्म डेब्यू को लेकर एक्साइटेड बॉबी देओल कहते हैं, मैं हमेशा से साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहता था और एक ऐसे मौके की तलाश कर रहा था जो मुझे उत्साहित करे। जब मैंने HHVM को सुना तो मैं आकर्षित हो गया। मैं फिल्म में मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभाने के लिए बेहद उत्साहित हूँ, साथ ही सुपरस्टार पवन कल्याण के साथ काम करने के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। फिल्म के निर्माता AM रत्नम और निर्देशक क्रिश जगरलामुल्ली पहले भी कई शानदार फिल्म कर चुके हैं। इस तरह की बेहतरीन टीम के साथ जुड़ना बहुत अच्छा है। फिल्म हरी हरा वीरा मल्लू के निर्माता ने हाल ही में रामोजी फिल्म सिटी में 40 दिन का एक लंबा शेड्यूल पूरा किया है, जहां 900 से ज़्यादा लोगों के साथ अहम एक्शन सीन की शूटिंग हुई है। शूटिंग से पहले एक स्पेशल प्री शेड्यूल वर्कशॉप भी रखी थी, जिसमें लीड कास्ट और क्रू मौजूद थे। वेटरन प्रोडक्शन डिजाइनर थोटा थारणी फिल्म निर्माता क्रिश जगरलामुद्दी की शानदार दृष्टि को जीवंत करते हुए मुगल युग को फिर से बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मेगा सूर्या प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म के बड़े पैमाने पर AM रत्नम द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हरी हरा वीरा मल्लू एक पैन इंडिया फिल्म है और इसे लेकर ऑडियंस के बीच जबरदस्त हाइप बना हुआ है। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होगी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।